वीडियो देखने से पहले क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन पर और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करिए हमारी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। टाइम आया, YouTube वीडियोस बना ली। YouTube वीडियोस के कंटेंट बहुत अच्छी रही, क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन कर ली, फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो अक्सर यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि अपनी वीडियो को शेयर करते हैं अपने लोकल ग्रुप्स में, अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो क्या हमें ये वीडियो जो शेयर करते हैं वो करनी चाहिए, या फिर जो करनी चाहिए तो किस तरह करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो मोनेटाइजेशन है उसमें दिक्कत ना आए आगे चलकर। तो आप इस वीडियो को आगे एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में फुल्ली शेयरिंग के बारे में YouTube वीडियोस की। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी आपको हमारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हो टेक्निका। आज के दिनों में यूट्यूबर्स की अगर गिनी जाए संख्या, मतलब यूट्यूबर कितने, मतलब नंबर्स गिने जाए कितने यूट्यूबर्स इंडिया से आ रहे हैं एक दिन में, तो वो कहीं भी कितने भी कहीं भी वर्ल्ड के कोई भी कोना हो उससे बहुत ज़्यादा है, इवन कुछ देश से ज़्यादा है, इवन हमारे कुछ शहर के यूट्यूबर। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रखी है यूट्यूब की, और इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर जो है वो फेम में नहीं आ पाते हैं और कहीं शैडो में ही रह जाते हैं। इवन आप हमारा ही एग्जाम्पल ले सकते हो। तो वो क्या करते हैं अक्सर कि अपने वीडियोस पे कुछ व्यूज़ लाने के लिए, थोड़े बूस्ट लेने के लिए अपनी वीडियोस को शेयर कर देते हैं अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में। तो आप बोलोगे शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको शेयर करने से मना क्यों कर रहा हूँ? तो मैं आपको शेयर करने से मना नहीं कर रहा हूँ, आप शेयरिंग करो यूट्यूब वीडियोस की, पर आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए शेयर करने से पहले जिससे कि आपको आगे में फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो अब मैं मेन बात करता हूँ, मेन जो कि बाई हर्ट सभी जानते हैं, सभी YouTube पे इसलिए आते हैं ताकि उनकी कुछ इनकम जनरेट हो सके। सही बात ये है, बाद में अलग आते हैं कि कोई फिलोसफी दे रहा है कि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, कोई फिलोसफी दे रहा है कि मुझे टेक्निकल वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, कुछ दे रहा है कि मुझे इसमें मज़ा आता है। ऐसा बात सही है, इसमें उन्हें मज़ा आता होगा, पर जो मेन जो पॉइंट है वो है इसकी इनकम। इसकी इनकम के बिना YouTube क्रिएटर्स हाफ भी नहीं, क्वार्टर भी नहीं, पूरे लगभग ख़त्म ही हो जाएंगे अगर इनकम बंद कर दे YouTube। तब मैं आपको बताता हूँ कि शेयर करने से होता क्या है कि अगर आप वीडियो को शेयर करते हो तो कुछ लिटरली आपको व्यूज़ आ जाते हैं, पर आपका अगर आप अपने मतलब वीडियोस के एनालिटिक्स को देखते हो, अपने चैनल को एनालिटिक्स को देखते हो तो आपको जो वहाँ पे टॉप एक्सटर्नल सोर्सेज आती है वहाँ पे आपकी जो रिटेंशन है वो हाई हो जाती है। और अगर आपकी जो रिटेंशन है वो 25-30% ज़्यादा ऊपर जा रही है तो आपकी जो मोनेटाइजेशन है उसमें दिक्कत आ सकती है, और मोनेटाइजेशन जो आपकी मतलब मोनेटाइजेशन रूल आपकी मतलब पूरा कर लेने के बाद या फिर चैनल की मोनेटाइजेशन है वो ऑन नहीं हो सकती है, मतलब कि मोनेटाइजेशन लागू नहीं हो सकती है। आप बोलोगे ऐसा क्यों, YouTube ऐसा क्यों कर रहा है? तो YouTube ऐसा कोई नया नहीं कर रहा है, ये बहुत दिन से ही ऐसा हो रहा है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि मान लो मैं हूँ और मेरे पास लगभग 5,000 आदमी या 1,000 आदमी है, मेरे दोस्त हैं, वो सभी को मैंने वीडियो शेयर कर दी, 1,000 सब्सक्राइबर मेरे पूर गए, वीडियोस में भी व्यूज़ भी आ गए, पर उनमें से लगभग 90% ने वीडियोस खोली, बंद कर दी, और क्या कहते हैं वहाँ पे जो उनकी जो वॉच टाइम आई वो बहुत कम आई, वीडियो की व्यूज़ बहुत आ गए, वॉच टाइम कम आई, और जो उसकी रिटेंशन हुई शेयरिंग की वो अगर मान लो अगर 1,000 व्यूज़ आए मेरे 1,000 फ्रेंड से और 1,100 व्यूज़ आ गए टोटल, तो बस 100 व्यूज़ जो है वो बस मैंने यूट्यूब ला के दिया, और जो 1,000 व्यूज़ हैं वो मेरे खुद के मैंने से यानी कि शेयरिंग के चलते आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी जो रिटेंशन होगी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा 90-95% के आसपास चल जाएगी, जिससे कि होगा क्या कि अगर मेरे चैनल पे अगर मोनेटाइजेशन की टाइम आता भी है तो मैं मोनेटाइजेशन लागू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि वीडियो में कुछ दम नहीं था, उसने अपने ही फ्रेंड सर्कल्स में यूट्यूब वीडियो मतलब अपनी वीडियोज़ को शेयर करके कुछ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए और हमारे पॉलिसी को पूरा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे 70-80% जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि वीडियोस खोला और बंद कर दिया, जिससे कि आपकी जो वॉच टाइम होगी वो कम हो जाएगी और जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, और आपकी वीडियोस को आगे प्रमोट नहीं करेगा यूट्यूब, क्योंकि लिटरली वीडियो यूट्यूब करता क्या है कि आपकी वीडियोज में अगर दम रहता है, कॉन्टेंट अच्छी रहती है तो वहाँ पर वॉच टाइम ज़्यादा आती है, और वॉच टाइम ज़्यादा आने के कारण आपकी वीडियो वो यूट्यूब के वॉल पे प्रेफर करती है या रिकमेंड्स में आती है, मतलब कि आपके एल्गोरिथम पे सेट करती है, आप सिंपली ये समझ सकते हो। तो अगर आप शेयर ज़्यादा करते हो, आपकी रिटेंशन ज़्यादा हाई है तो आपकी मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ सकती है, आप ये सिंपली जान लो।
अब बोलो कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके 5 लाख सब्सक्राइबर, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, पर तभी वो भी अपनी वीडियो को शेयर करते हैं। तो मैं वहाँ पे आपको मना नहीं कर रहा हूँ शेयरिंग करने के लिए, पर आप पहले ये जो शेयरिंग कर रहे हैं बड़े यूट्यूबर्स, आप उनके बारे में जान लो। अगर उनकी एक वीडियो पे 2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो अगर वो शेयरिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग कर देते हैं, तब भी उनके जो शेयरिंग से जो व्यूज़ हैं वो सिर्फ 50,000 या 60,000, चलो 1 लाख व्यूज़ आ गए, और वहाँ पे जो उनकी जो 1-1.5 लाख जो भी वहाँ से मतलब कि यूट्यूब से आए, तो वहाँ पे आपका जो रिटेंशन होगी उनकी रिटेंशन बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि उनकी व्यूज़ है मेनली यूट्यूब के ऐप यूट्यूब पे सर्च करने पे ही आती है या फिर रिकमेंड में दिखाती है, क्योंकि मेनली उनकी जो वीडियो है वो एल्गोरिथम पे सेट कर जाती है, क्योंकि उनकी पे बहुत टाइम भर भर के होता है और उनके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी रिटेंशन हाई ज़्यादा नहीं होती है और उनकी जो मोनेटाइजेशन है वो आराम से इनेबल हो जाती है, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप बस इतना दिमाग में क्लियर कर लो कि आप शेयरिंग वहीं करो जहाँ पे आपकी जो पहुँच है वो ज़्यादा है। इवन बहुत सारे सोशल मीडिया हाइक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो जहाँ पे आपकी पहुँच ज़्यादा है, जैसे कि मैं अपने एग्जांपल में आप ले सकता हूँ, मेरी पहुँच जो भी है थोड़ी बहुत वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है, तो मैं मेनली इन्हीं 2 प्लेटफॉर्म पे ध्यान देता हूँ, उसके थर्ड आता है मेरा व्हाट्सएप, क्योंकि वहाँ पे थोड़े मोड़े कॉन्टैक्ट है मेरे, तो मैं यही 3 पे मेनली अपनी वीडियो को शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले शेयर करता था सभी जगह, जितने भी जगह मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लिए थे हाइक वाइक जितने भी थे, मैंने सब जगह शेयर करता था, जिससे कि मेरी जो रिटेंशन थी वो 30% या 35% के आसपास चल गई थी, पर बाद में थोड़ा कंट्रोल किया, शेयरिंग थोड़ा कम किया, तो अभी आप देख सकते 16-17% के आसपास मेरी जो एक्सटर्नल सोर्सेज की रिटेंशन है वो यहाँ पे आके फंस गई है। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी रिटेंशन है वो थोड़ी कंट्रोल में आ गई है, तो आप भी अपनी रिटेंशन को कंट्रोल में कर सकते हो अगर आप चाहो कुछ स्टेप जैसे मैंने फॉलो किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। अगर कोई भी नई वीडियोस आपको कुछ किसी टॉपिक पर, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ आपको डाउट या क्वेरीज हो तो आप नीचे तभी कमेंट कर सकते हो, पर उस सभी से पहले आप नीचे जो चैनल का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करके बगल में बेल आइकन पर क्लिक कर दो, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपकी जो हमारी नोटिफिकेशन होगी वो आपको पहुँच जाएगी। ऐसे ही मैं आपको हफ्ते में बस 2-3 बार ही तंग करता हूँ और आपको जो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी उसके कारण मुझे वीडियो शेयर नहीं करने पड़ेगी, जिससे कि हमारी टेंशन होगी वो खुद ब खुद डाउन हो जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में।